मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के ग्राम मणियन में जो परियोजना बांध परियोजना बनाई जा रही है वह है बांध परियोजना। वहाँ के ग्राम के किसानों की जमीन नहीं बच रही है। वहाँ का कहना है कि यहाँ बांध बनवा दिया जाएगा तो क्या बचेगा, हम लोगों के पास जमीन नहीं बचेगी। वो लोग कहते हैं कि बंधा बंधेगा, आप लोग मुआवजा ले लो। हम मुआवजा लेने में इनकार हैं, क्योंकि जो हमारी जमीन है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जन्मभूमि से बिल्कुल हीन हो रहे हैं, इसलिए हम बंधा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और बंधा बंधने से हमारे यहाँ बहुत सी दिक्कत है, दो चार गांव भी उठ जाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने जिला लेवल से लेकर के और स्टेट लेवल तक गए और किसी ने वहाँ मंत्रालय तक जाते हुए किसी ने सुनाई नहीं की, इसलिए इसका किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। वर्तमान में 50 घर गरीब आदिवासी लोग ऐसे हैं जिनको हटा दिया गया, क्योंकि उनके मकान अभी इतने से ही पानी में डूब गए हैं। आपसे बता, जो बांध बनाया जा रहा है इससे इन यहाँ पर चार गांवों को नुकसान हो रहा है, इसमें तारा, झरकुआ, नामनगर, इसमें सबसे ज़्यादा ग्राम मणियन में हो रहा है जो 100% है। ग्राम मणियन में 400 हेक्टेयर जमीन डूब में आ रही है। बंधा बंधवा लेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारे लिए ना रहने के लिए घर रह जाएगा और जमीन तो फिर है ही नहीं है श्रीमान जी। किसानों का कहना है कि जो पैसा शासन देगी वह पैसा लेकर के खर्च हो जाएगा और रहने के लिए मुझे कहीं मकान नहीं मिल पाएंगे। हम लोग बहुत पीड़ित हैं आज 2 साल से इस गांव के, पूरे ग्रामवासी इतने दुखी हैं। आपसे बताएं कि माँ बाप मरने में दुख नहीं लगता जितना बंधा बंधने में दुख लग रहा है। दो दो एकड़ किसी के पास, एक एकड़ किसी के पास आधा एकड़ जमीन है, फिर उस पैसे का हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इसलिए हम आपसे बताएं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम बंधा बिल्कुल नहीं चाहते। आपसे बताएं, चाहते हैं वहाँ के किसान कि यह परियोजना कहीं और बनवा दी जाए, या तो फॉरेस्ट की ज़मीन पर बनवा दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और राजस्व वाली ज़मीन बचा ली जाए ताकि विस्थापन बच जाए। मैं लक्कू प्रसाद, पन्ना ज़िले से, इंडिया अनहर्ड के लिए।